स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मयूरी शशि। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। बीती शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उद्धव के अलावा कल उनकी कैबिनेट में 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें फिलहाल 2-2 मंत्री शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बनाए गए हैं। ठाकरे सरकार की शपथ ग्रहण से पहले महाविकास आघाड़ी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ऐलान किया। तीनों पार्टियों ने वादा किया कि धर्म निरपेक्षता से कोई समझौता नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन कल अपनी पहली कैबिनेट की बैठक के बाद जब उद्धव से उनकी इसी सेकुलर सरकार पर सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर नाराज हो गए। उद्धव ने धर्म निरपेक्षता यानी सेकुलर होने के सवाल पर कहा कि संविधान में लिखी हर बात सेकुलर है और हमारी सरकार में कोई भी शख्स खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेगा। इसी बीच वहीं कांग्रेस में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर अभी नाराजगी का दौर ही चल रहा है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे को अवैध ठहराने की मांग पर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, ये तीसरी खबर है इसमें। ये याचिका हिंदू महासभा के नेता की तरफ से दायर की गई है, इस पर जो अपडेट होगी सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। बहस के लिए आज के सवाल भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम उठाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि सत्ता के लिए सेकुलर हो गई है क्या शिवसेना, क्योंकि अब ये सवाल तो उससे पूछा जाएगा। धर्म निरपेक्षता पर सवाल, उद्धव आखिर क्यों हुए लाल? अपवित्र गठबंधन से बचेगा महाराष्ट्र धर्म? सवाल ये कि सत्ता के लिए उद्धव का सबसे बड़ा समझौता इसे कहा जाए? सवाल ये भी महत्वपूर्ण, कुर्सी के लिए उद्धव ने भुलाई हिंदुत्व की राह, क्योंकि बाला साहब ठाकरे सिर्फ एक ही बात करते थे और वो थी हिंदुत्व की। तो इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, मेहमान कौन है फटाफट आपका परिचय मैं करवा दूं। कमलेश राय हैं मेरे साथ, शिवसेना से जुड़ गए हैं, नेता हैं, प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ निनाद सेठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समीर चौगावकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कमलेश राय, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपके साथियों ने टीका लगाया या नहीं लगाया ये तो नहीं पता, लेकिन टोपी आप लोगों ने पहन ली? मैडम, आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि शिवसेना कभी भी किसी देश में रहने वाले किसी जात या धर्म के खिलाफ नहीं रही है। आपको बता दूं, मुंबई महानगर पालिका में 4 नगर सेवक मुसलमान हमारे हैं, और महाराष्ट्र की जो सरकार बनने जा रही है इसमें एक विधायक भी हमारा मुसलमान है। तो हम लोग कोई मुसलमानों के खिलाफ वाली पार्टी नहीं है। बाला साहब और उद्धव साहब यही कहते थे कि जो इस देश में रह के भारत के खिलाफ की बात करता है और पाकिस्तान के फेवर की बात करता है वो हमारा दुश्मन है। तो सेकुलर शब्द का मुझे नहीं पता चल रहा है कि मीडिया वाले किस तरीके से विवेचना कर रहे हैं। सर, मीडिया वालों की बात आप कर रहे हैं, कमलेश राय मीडिया वालों की बात छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे मराठी मानुष किसकी विचारधारा थी सर? हाँ, मराठी मानुष की विचारधारा जो थी वो आज भी है। मराठियों के हक में 80% कल पहले मंत्रिमंडल में ही पास किया गया कि यहाँ के स्थानिक लोगों को 80% प्राइवेट नौकरियों में भी सरकारी नौकरियों में भी नौकरी दी जाएगी, जितने रिक्त पद बचे हैं उनको भरा जाएगा। तो जो काम करने का तरीका है उसकी सराहना होनी चाहिए, न कि हर समय भी किसी के बारे में जो काम हुआ है उसके बारे में खाली बुराई नहीं करना। तो फिर आप कमलेश राय, ठीक है आगे बढ़ना है, मुझे और भी मेहमान है मेरे साथ, लेकिन मुझे इस बात की श्योरिटी और फिर क्या मेरे दर्शकों को इस बात की श्योरिटी आप देंगे कि विकास के कार्य जब आप करने जाएंगे तो विचारधारा की कोई बात ही नहीं आएगी इस गठबंधन में, इस बात की श्योरिटी आप देते हैं अपनी महाराष्ट्र की जनता को? नहीं आएगी, नहीं, ये पहले भी शिवसेना में पहले भी नहीं आती थी, शिवसेना में वो सर तो मुझे याद करवाना पड़ेगा आपको, कमलेश राय साहब तो आरक्षण के भी सर तो फिर याद करवाना पड़ेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे दिए गए बयानों को शिवसेना की तरफ से, आपके अध्यक्ष की तरफ से। वो ठीक है, राजनीतिक मुद्दे जब रहते राजनीति में कौन किसका दुश्मन है, जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती मोहम्मद, तो फिर आप ये मत कहिए कमलेश राय, फिर मत कहिएगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए आपने गठबंधन बनाया, फिर कहिए कि कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि कुर्सी चाहिए सत्ता चाहिए इसलिए दुश्मन को भी गले लगा लिया, फिर तो ये बात हो गई ना। कुर्सी नहीं चाहिए कोई, कुर्सी कोई भीख में आपसे नहीं ले रहे हैं, कुर्सी हम लोग लड़ के आए हैं, चुनाव जीत के आए और ले रहे हैं, और किसी के आशीर्वाद से नहीं ले रहे हैं। तो ये जनता ने जो बहुमत दिया था, किस पार्टी के साथ आपको मिलकर दिया था, ये तो जानते हैं ना आप, ये तो जानते हैं ना आप, इसकी दुआएं कब तक देंगे? उन्होंने जो तय किया था लोकसभा में
और भूल गए थे, ठीक है, उसके बारे में भी आप समझिए, और उसके बारे में आज तक आपने नहीं दिखाया सर। किस इस बात की दुहाई कब तक देते रहेंगे? अब तो आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, हमें दुहाई नहीं देना है, हमें सरकार चलाना है, महाराष्ट्र की जनता का भला करना है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम शुक्ला जी, देखिए मुद्दे की बात यह है कि आपने जिस पर बहस रखी है सेकुलर शब्द पर, मुझे लगता है जिस तरह से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कल के पत्रकार सम्मेलन में शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट मीटिंग के बाद जब उनका पत्रकार सम्मेलन हुआ उसमें सेकुलर शब्द पर जिस तरह वो बौखलाए, स्वाभाविक तौर पर पूरे देश के लोगों ने इस बात को देखा कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। और देखिए, मैंने पहली बार फरवरी 1993 में आदरणीय शिवसेना प्रमुख हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी का जो है वो इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में पहला मेरा प्रश्न उनसे था सेकुलरिज्म और हिंदुत्व के ऊपर, भाई अंतर क्या? तो उन्होंने कहा सेकुलर शब्द एक तो पहले भारतीय अवधारणा नहीं है, भारत में सेकुलरिज्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत का विभाजन हुआ था, हिंदू मुस्लिम होने के नाते हुआ था ये, और हिंदू हृदय सम्राट क्यों लिखते थे? वो सेकुलर हृदय सम्राट लिख देते अगर हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व और सेकुलरिज्म अगर एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, तो आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जी ने अपने जीवन काल में, आज भी जब उद्धव जी बाळासाहेब को याद करेंगे तो क्या सेकुलर हृदय सम्राट कहेंगे उनको या हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे? और हिंदू हृदय सम्राट जब कहेंगे तो हिंदुत्व तो कौन सा है? 1987 के महाड अधिवेशन में पहली बार शिवसेना ने गर्व से कहो हिंदू है का नारा लगाया, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के ही मुकदमे में, मनोहर जोशी बनाम भाऊराव पाटिल के मुकदमे में 1995 में दिसंबर 1995 में फैसला आया, और जस्टिस जे एस वर्मा की खंडपीठ ने आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जी का जो मताधिकार है वो 6 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया। मनोहर जोशी की सदस्यता पर भी प्रहार हुआ, डॉक्टर रमेश प्रभु किस लिए उनको चुनाव से जो है खारिज किया गया था, सूर्यकांत महाडिक का चुनाव क्यों रद्द किया गया? इन प्रश्नों का भी उत्तर मुझे लगता है कि जो शिवसेना को थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि शिवसेना को थोड़ा समझने का मुझे अवसर मिला है, तो इसका उत्तर भी मुझे लगता है खोज कर रखना चाहिए कि वो हिंदुत्व क्या वही सेकुलरिज्म था? अगर वही सेकुलरिज्म था तो फिर यही कांग्रेस के लोग क्यों गए थे मुकदमा दायर करने, और क्यों सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तक ने ऐसे चुने गए विधायकों की सदस्यता को निष्कासित क्यों किया? ठीक 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 ऋषि मिश्रा, इस पर आऊंगे आपके पास, लेकिन कमलेश राय इस पर तो सवाल उठेंगे ना सर? प्रेम शुक्ला तो शिवसेना में रहे हैं, वो तो संपादक भी रहे हैं सामना के हिंदी सामना के। ऐसा मैडम कि आज जरूरत है बेरोजगारी के बारे में बात करने की, आज जरूरत है स्वास्थ्य के बारे में बात करने की, आज जरूरत है जो गरीबी चल रही है महंगाई के ऊपर बात करने की। आप लोग पहले जरूरत नहीं थी टीवी में, इसका जनता पे कितना फायदा होता है उसके बारे में नहीं सोचते। आप लोगों को जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा के लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, सर जो दिखाया गया जो दिखाया गया वही दिखाया जा रहा है, ये तरीके की चीजें चल रही है कमलेश राय। जो दिखाया गया तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उद्धव ठाकरे पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे पाए? सेकुलर शब्द पर संविधान की दुहाई देने लगे। के बारे में बात करिए कमलेश राय, क्यों संविधान की दुहाई सेकुलर शब्द के नाम पर? संविधान में जो लिखा है वही सेकुलर है, तो उन्होंने परफेक्ट कहा कि जो संविधान में लिखा है उसी तरह सरकार चलेगी, वही सेकुलर है, बात खत्म हो गई, उससे ज्यादा बात करने की समय ही नहीं, उस चीज में समय देने की जरूरत ही नहीं है पार्टी को। प्रेम शुक्ला, मैं आ रही हूं ऋषि आपके पास, प्रेम शुक्ला जल्दी से अपना काउंटर करिए। ऋषि मिश्रा, मैं प्रेम शुक्ला जी से सवाल है कि अतीत में दिए गए बयान को कोट कर रहे हैं, तो अतीत में दिए गए बयान को यदि मैं कोट करूं तो नीतीश कुमार जी ने भाजपा का डिफिनेशन दिया था, प्रेम शुक्ला जी, भाजपा यानी भारी झूठा पार्टी, भारी झूठा पार्टी का तगमा लेके भी आप सरकार में हैं बिहार में जी, तो कैसा अनुभव लग रहा है? तो अतीत में दिए गए बयान को आप कोट, वही हमारे पास आया ना समर्थन मांगने, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, संपादक भी रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी का तगमा क्या आपको अच्छा लगता है? भारी झूठा पार्टी जी, समर्थन मांगने कौन आया बताइए ना, ये बताइए ना, ये मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मांगने संपादक रहे हैं, मैं तो अभी नहीं, मुझे बताइए ना, बात को जानते हैं ऋषि जी, भारी झूठा पार्टी, आदर पूर्वक आपसे जानना चाहता हूँ किसने दिया था, नहीं झूठा पार्टी कहने वाले ही समर्थन मांगने आए ना।
दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, कांग्रेस को भी घेरना चाहता हूँ इसमें आइडियोलॉजी। मैं तो पूछ रहा हूँ समर्थन मांगने कौन है। प्रेम शुक्ला जी को नहीं मालूम होगा, शायद मालूम होगा कि चकमा, आपको क्या कहते हैं, चकमा एक जिला पंचायत है, वहां पे बीजेपी ने जिला पंचायत में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। आप भी कहेंगे कि अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी वहां में अच्छी लगने लगी थी। तो ये आइडियोलॉजी और नैतिकता सब जैसे सबको तो हटाई देना चाहिए, बात से हाथ मिला लिया है। तो मतलब फिर आप ये कह रहे हैं, आप चकमा याद है कि नहीं शुक्ला जी, आप अप्रैल 2018 में चकमा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी जिला पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस से समर्थन लिया था। कांग्रेस के साथ शिवसेना के तमाम मैं गठबंधनों का चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के साथ शिवसेना के नगर निगम के चुनाव में और एग्जांपल दे देता हूं, की बहुत लंबी सूची की चर्चा ही नहीं कर रहा। सुप्रिया आप चर्चा को मैंने सुप्रिया सूर्य बाड़ा साहब का जो विचार देखिए ऐसा है, बाड़ा साहब प्रथम पुरुष है कि नहीं शिवसेना प्रतिभा पाटिल के चुनाव के टाइम में जब शिवसेना ने कांग्रेस को समर्थन किया तब ये प्रेम शुक्ला जी कहाँ थे? अब आप इस पर क्या कहेंगे? तो सोनिया गांधी राहुल गांधी ने फिर माफ कर दिया जो उनके लिए कहा गया था। जवाब दिलवा दीजिए ना, भारी झूठा पार्टी का जवाब दिलवा दीजिए ना। आप भूल जाते हैं, समावेशी समीक्षा होनी चाहिए, मैंने कांग्रेस को भी घेरा है। आप भूल जाते हैं एंकर में हूँ, अब मैं भूल जाते हैं। तो फिर सोनिया गांधी राहुल गांधी ने माफ कर दिया क्या उन बयानों के लिए जो दिए गए थे शिवसेना के नेताओं की तरफ से? सोनिया जी से पूछिएगा ना, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं तो समीक्षा कर रहा हूँ। उन्हें चलानी है आप सोनिया जी से पूछिएगा, इतना बड़ा दिल दिखा दिया समीर चौगांवकर, ये किस तरह का गठबंधन हुआ फिर? भारी झूठा पार्टी वाला हुआ। देखिए पयोधी जी, ये अवसरवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी विचारधारा को छोड़कर सत्ता के लिए बात कहने के बाद हंसने की जरूरत जाना, यह शिवसेना ने बताया है। वजन खुद ही कम हो जाता है जब अपनी बात हंसी आ रही है पॉलिटिकल पार्टी पे। तो आप मतलब अब आप यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के एनालिस्ट बनकर भी बैठे हैं और आप उन पर हंस भी रहे हैं अपनी अपनी बातें बोलकर, तो फिर अपनी बातों का वजन आप समझिए कि कहाँ आका जाएगा। समीर चौगांवकर पयोधी जी, भारतीय राजनीति के अंदर अवसरवादिता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है, अपनी विचारधारा से 360 डिग्री घूम जाना और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, यह शिवसेना ने कल पूरे देश को दिखाया है। यह वही शिवसेना है जो मांग करती थी कि भारतीय संविधान से सेकुलर शब्द को हटाया जाए, यह वही शिवसेना है जो कहती थी कि भारतीय मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जाए, यह वही शिवसेना है जो कहती थी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत में रहना होगा तो हिंदू राष्ट्र में रहना होगा, यह वही शिवसेना है जो कांग्रेस को इस देश के बर्बादी का कारण मानती थी और आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रही है। मुझे लग रहा है सत्ता के लिए, सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना के साथ धोखा किया है, सत्ता के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया है। अब जब वह सरकार बना चुके हैं तो मुझे लग रहा है उन्हें महाराष्ट्र की जनता के इतना काम करना चाहिए, लेकिन अपनी विचारधारा भटकने का उन्हें स्वीकार करना चाहिए और सामना में लिखे कि हाँ हम अब सेक्युलर हो गए हैं, हमारा हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल बाला साहब ठाकरे के साथ महाराष्ट्र चला गया है, स्वीकार करें कि वह सेक्युलर हो गए हैं, उन्हें हिंदुत्व की बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कौन सा नया नारा निकालेंगे सर? नारा यही निकालना है कि महाराष्ट्र की गरीब जनता को मदद करना, जो नौजवान पढ़ लिख के बिना नौकरी के घूम रहे हैं उनको मदद करना, जो बेचारी सेविकाएं अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं गरीबी झेल रहे हैं उनको मदद करना, नौजवानों को दिशा देना। एक सवाल का जवाब डिबेट से विकास करने की इच्छा शक्ति हो रही है, भारत को लूटो इशु के ऊपर चर्चा करना ये होना चाहिए और यही तरीके से होगा। छोड़ो कुछ लोग करते हैं, नया नारा है शिवसेना का नारा है, विचारधारा को छोड़ो और महाराष्ट्र को लूटो।
कम समीर जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4.7 लाख करोड़ का कर्ज देने के बाद छोड़ के गए हैं, बात कर रहे हैं, बताइए आप कैसे वैसे आगे बढ़ेंगे? 4.7 लाख करोड़ का है भारत सरकार पे भाई, 60 साल महाराष्ट्र को बने हो गए हैं, किसका राज रहा है? अच्छा आप 60 साल इतिहास चले गए, 10 साल राज रहा है शिवसेना के साथ, ऋषि मिश्रा तो वो शिवसेना साल तो कांग्रेस का राज रहा है महाराष्ट्र में, यही तो मैं कमलेश जी सवाल करना चाह रहा था, 50 साल कांग्रेस का राष्ट्रवादी कांग्रेस का राज रहा है। तीन महत्वपूर्ण मुद्दे जो एक तरह से चैलेंज हैं उद्धव जी के सामने। पहली चैलेंज तो है ये सेक्युलरिज्म खुद ही, आप देखिए कि सोनिया जी और उनके बेटे को इतनी शर्म आएगी, वो तो आई नहीं इतनी बड़ी इनॉग्रेशन के लिए, उन्हें शर्म आती है कि हम क्या शिवसेना के साथ क्यों दिखाई दिए, क्योंकि उनको अपना मुस्लिम वोट बचाना है। पहली चैलेंज ये रहेगी। दूसरी चैलेंज रहेगी कि किस तरह से वो गठबंधन को मैनेज करते हैं, क्योंकि काफी टाइम उनका चला जाएगा एनसीपी को मैनेज करने में, कांग्रेस को मैनेज करने में। क्या सरकार सिल्वर ओक से चलेगी या मातुश्री से चलेगी, अभी ये तय नहीं है। हाँ। और तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज जो मेरे ख्याल से लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो है कि उद्धव जी के पास एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, एक अलग तरह का होता है। मातुश्री हमेशा हुकुम देती थी या रिमोट कंट्रोल चलाती थी, तो ये तीसरी जो चैलेंज है वो भी उभर के आएगी। तो मुझे लगता है कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इतने हैं कि कर्नाटक का जो प्रेसिडेंट हमने देखा था वो बहुत जल्दी महाराष्ट्र में रिपीट हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो मीडिया से मुखातिब हुए तो वो जो स्ट्रेस था वो उन पर देखा जा रहा था, और जब उनसे अभी कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस चीफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप मांग रही है, यार बोलने दिया करो आप, और उनसे पूछ रहा हूँ ऋषि मिश्रा आपको पूरा समय दिया, सबसे आखिर में निनाद के पास आएंगे, मैं इनसे थोड़ी पूछ रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा, छोटा सा ब्रेक। एक पॉइंट और मैं कहूंगा कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस का एक हमारे पास प्रेसिडेंट है, कि अगर पार्टीज को ये पता होती है कि वो जाने, उनको सबसे पहले पता चल जाता है कि हम जाने वाले हैं, तो ज्यादातर जो भी स्टेट होता है उसकी ट्रेजरी पे असर पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो अपने ही लोगों को दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है बैड डेज आर अहेड फॉर महाराष्ट्र। और कुछ प्रोजेक्ट तो वो हैं जो पिछली सरकार के साथ अटके भी हुए हैं, उसे कैसे आगे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि और दोनों पार्टी हैं जिनका अपना स्टैंड होगा। ऋषि मिश्रा आऊंगी आपके पास, अभी तक तो उंगली मुंह पर रखकर बैठे थे, सबसे ज्यादा तो आप ही बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन सिटिंग से है, ठीक है, ब्रेक के बाद आप लीजिएगा, ये गर्मा गर्म बहस जारी है, नरेंद्र मोदी कौन, अमिता कौन, ब्रेक है, पूरा स्लॉट है, उसमें आपको मौका दूंगी, गर्मा गर्म बहस आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ठंड का जरा आलम भी देख लीजिए, पहाड़ों पर किस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, उत्तरकाशी की तस्वीरें, लाहौल स्पीति की तस्वीर आपके सामने, कुल्लू की और टिहरी गढ़वाल की तस्वीर आपके सामने है। बर्फ पड़ने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, कुछ राजमार्ग हैं जो बाधित हो गए हैं, जिसके चलते बर्फ पड़ी है, जमी है वहां पर, उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो धर्म निरपेक्षता पर सवाल, और आखिर उद्धव क्यों हुए लाल, क्यों सेकुलर शब्द उन्हें इतना परेशान कर रहा है, सवाल ये है। और सबसे पहले इस वक्त कमलेश राय, जब ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे जब एक साथ बैठेंगे उन नेताओं के साथ जिनके बारे में कभी तल्ख टिप्पणियां करते हुए वो नजर आए थे, तो मैं वही कह रही हूँ आपसे सर, कार्यकर्ताओं को जोड़कर काम कैसे करेंगे, काम तो उनके बिना होगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, मैं उदाहरण में पूछना चाह रहा हूँ मैडम जी, कि दो दिन पहले रात के अंधेरे में जो शपथ विधि हुई थी, और अजीत दादा पवार को जब बुला के उप मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके पहले के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चक्की पीसिंग जेल में जाके चक्की पीसेंगे, ये सब तो कहे थे, उनके साथ सत्ता बनाए थे, वो सही था तब तो, एक बार भी जीटीपी के तरफ से कोई उसका विरोध नहीं है, पहली कैबिनेट की बैठक में सब एक भी जीटीपी के तरफ से कोई विरोध नहीं है, और आज दो साल मुख्यमंत्री बन गए, क्या कमलेश जी पहले कैबिनेट की बैठक में सागर वीर सावरकर को बुला के उनके बारे में खाली विरोध में बात करने की बात कर रहा है, आपने देखा नहीं, आज जरूरत है, गरीब मर रहे हैं बात करना चाहिए, जवाब दीजिए, ये जो बात करना अजीत पवार वाले क्या अर्थ आऊंगी आपके पास, ऐसे ओवरलैप सामान्य समझ नहीं आता, समय की कमी जो है मेरे लोगों पास। के हक के बात में हो, कमलेश राय वही जो रोजगार तो आपके साथ हो, जो तो आप जवाब दीजिए ना, बनाने की बात हुई उसके बारे में बात कर, आप जवाब दीजिए सर, चक्की पीसिंग फिक्सिंग हो, वही चक्की पीसिंग तो आपके साथ है ना, आपके सो कॉल्ड अजीत पवार दादा, हम जवाब
हाँ तो आए ना आखिर, जब विधायक नहीं गए तो आए ना, तो रात को गए और सुबह सुबह आपने देखा कि पवार साहब के साथ पूरे विधायक रिटर्न आए। तो अब वो चक्की पीसिंग करेंगे कि नहीं? झूठे बातों के साथ नहीं है। अब वो चक्की पीसिंग करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोग खाली धर्म निरपेक्ष और सेक्युलर के नाम पे डिबेट करेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बारे में डिबेट कर रहे हैं, इससे कुछ भाग नहीं रहा। छगन भुजबल भी आपके साथ है, छगन भुजबल तो जेल गए थे। देश में हेल्थ की प्रॉब्लम जो पूरे देश में है, छगन भुजबल भी आपके साथ है, वो तो जेल गए थे। ये कुछ पढ़े लिखे लोग आके खाली इस तरह का समय पास करके जाते हैं। कमलेश राय सवाल है आपसे। कमलेश राय, कमलेश राय, कमलेश राय, कमलेश राय, अब आप क्या करेंगे सर? मैं आपसे, आप तो आज ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कल उद्धव ठाकरे से सेकुलर शब्द को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्हें समझ नहीं आया, तो आप सर इतना सुबह सुबह गुस्सा काय कर रहे हैं? आप बताइए ना आप लोगों का स्टैंड क्या है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सीधा। हमने आपको स्पष्ट कह दिया कि हमारे पार्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आगे पीछे नहीं जा रही। एक विधायक हमारा मुस्लिम है, मैं आगे पीछे नहीं जा रही। नफरत नहीं है हमें, अच्छा, तो इस देश में रह के पाकिस्तान की बात है। छोटा सा सवाल उदाहरण के तौर पर कर रही हूँ सर, उसका जवाब दे दीजिए। छोटा सा सवाल उदाहरण के तौर पर कर रही हूँ, ना मैं 370 पर जाऊंगी ना मैं 3 तलाक पर जाऊंगी। 2014 में आपको याद दिला दूं, 2014 में जब मैनिफेस्टो दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें कहा गया था कि जो देशद्रोह कानून है हम उसे खत्म कर देंगे, ये कहा गया था। जिसके बाद संशोधित करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। रुक एक मिनट। जिसके बाद सामना में उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर तल्ख टिप्पणी की थी, सोनिया गांधी पर तल्ख टिप्पणी की थी, चलिए संशोधित करेंगे। ऋषि मिश्रा आपकी बात को मैंने ऐड कर दिया इसमें, तो आप आगे ऐसे फैसलों पर एक साथ खड़े रहेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा था कि देशद्रोही का मतलब उसका दुरुपयोग ना हो, वो चीजें खत्म करना था कि जो देशद्रोही है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, लेकिन तो मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर एक्शन लीजिए, ये गलत था। किसके स्टेटमेंट को उन्होंने बोला था? अच्छा, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं समझ गई समझ गई, कोई बात नहीं सर। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कांग्रेस के उसी स्टेटमेंट को, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। उस वक्त तो आप बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, तो आप उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे थे, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी दिक्कत। जब आपके पास आओ तब आइए। प्रेम शुक्ला जी, जी पयोधी जी, देखिए दो मुद्दे हैं। एक तो अजीत पवार के संदर्भ में जो मुद्दा उठाया, हमने जब भी बेमेल गठबंधन किया है निश्चित तौर पर उसका मूल्यांकन हमारे विपरीत किया गया है, इसमें कोई इस सत्य से कोई भाग नहीं सकता है। अजीत पवार का समर्थन लिया हमको दो दिन में, जैसे ही सरकार को भी जो है हमको इस्तीफा देने की हम पर बारी आई, हमने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, उनको कालांतर में जेल भेजना पड़ा। और अजीत पवार के संदर्भ में भी उनके खिलाफ सबूत मिलते तो हमारी सरकार में उनको जेल भेजने में कोई संकोच नहीं होता। लेकिन 3 दिन पहले ही आदरणीय संजय राउत जी ने कहा कि अजीत पवार को हम जेल भेजेंगे, तो क्या संजय राउत जी जिस पार्टी के नेता हैं आज वो सरकार में स्थापित हो गई है, तो क्या श्री अजीत पवार को शिवसेना की सरकार जेल भेजेगी? फडणवीस के स्वीकार रहा हूँ, मैं उसको स्वीकार रहा हूँ। देखिये हमने जब भी बेमेल गठबंधन किया, देखिये मैं इसको स्वीकार रहा हूँ, मैं देखिए पयोधी जी, मैं इसको बहुत स्पष्टता से स्वीकार रहा हूँ। हमने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, हमारी चूक हुई। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, कालांतर में 370 के मामले में उसको अंदर भेजना पड़ा। ऋषि जी जरा शांत रहे, देखिए अब ये बहस का तरीका है। पयोधी जी मैं बहुत स्पष्टता से जवाब दे रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। ऋषि जी आप आइए, आपका पक्ष आएगा समय, आप बोलिएगा। देखिए मेरी बात, मेरी उदासी की आप चिंता ना करिए। अब मुद्दे की बात है, हमने जब भी बेमेल गठबंधन किया, मैं फिर से कह रहा हूँ, बेमेल गठबंधन में हमको मायावती जी के साथ धोखा मिला, हमने पीडीपी के साथ बेमेल गठबंधन में प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा और कार्रवाई करनी पड़ी कालांतर में। इसी तरह का बेमेल गठबंधन आज शिवसेना कर रही है। क्या शिवसेना के लोग, हमने पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को जेल भेजने में संकोच नहीं किया, क्या अजीत पवार को जेल भेजने में आदरणीय उद्धव जी संकोच करेंगे या जेल भेजेंगे, ये उत्तर चाहिए। प्रेम शुक्ला एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ऋषि मिश्रा फिर मैं आपको मौका दूंगी। आप शिवसेना में रहे हैं, क्योंकि कमलेश राय इस बात को नकारते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने जो कहा वो एक अलग बात थी, वो इसे अब अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। क्या इसे अब ये मान लिया जाए कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अलग थी और अब शिवसेना बिल्कुल अलग हो चुकी है? देखिए शिवसेना प्रमुख के बात की, शिवसेना पक्ष प्रमुख की आदरणीय उद्धव जी की है, आदरणीय उद्धव जी की शिवसेना में संजय राउत जी ने कहा कि बुर्का प्रतिबंधित करना चाहिए। अभी आप 2015 में
2015 का आप बयान आदरणीय संजय राउत जी का आप ही दिखा रही थी, उनका ये देश कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, ये हिंदू राष्ट्र है। और उद्धव जी ने भी ये बार बार कहा है 2012 से लेकर 2019 तक, आदरणीय उद्धव जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है कि हिंदू राष्ट्र है। तो क्या उद्धव जी अपनी बात से पलट रहे? सवाल इतना ही है। मैं बोलूं? नहीं, मैं आ रही हूं आपके पास, कमलेश राय जी बोलिए। देखिए दो चीजें मैडम, एक तो जो गुनाह करेगा उसके लिए इस देश का कानून है और लोकतंत्र में कानून अपना काम करेगा, जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, जो नहीं करेगा वो बाहर रहेगा। नंबर दो बात शिवसेना की, जो आपने कहा शिवसेना पहले जो थी वही आज भी है, उनकी सोच भी वही है, लेकिन आज देश जी अजीत पवार अगर ऐसी नौबत आ गई तो चक्की पीसेंगे ना फिर वो। क्या कहा था संजय राउत? संजय राउत ने तो कहा था उन्हें हम जेल भिजवाएंगे। तो संजय राउत साहब जो हमने कहा कि जो कानून है अपना काम करेगा, अगर कानूनन कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन किसी के कहने से कोई जेल नहीं जाता और किसी के कहने से कोई बाहर नहीं रहता। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात कि शिवसेना जो पहले थी वो आज भी है। आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साहब नहीं बोलते और आदरणीय उद्धव साहब जी को झूठा नहीं बताए होते तो आज ये गठबंधन भी नहीं टूटा होता। श्री संजय राउत का महत्व आपकी दृष्टि में नहीं है। आप एक पार्टनर को, कोलिशन पार्टनर को श्री संजय राउत का महत्व आपकी दृष्टि में नहीं है और आप अपने आप को बहुत मजबूत समझने लगते हो तो इस तरह की दिक्कत होती है। और उद्धव साहब ठाकरे सीधे साधे एकदम सरल, श्री संजय राउत जी का महत्व मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने उसी बयान से जो सब हुआ है अपने बयान से कहकर कह दिया था उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। मेरा प्रेम शुक्ला जी से सवाल है कि चार दिन पहले अजीत दादा जो हैं आपको दादा नजर आ रहे थे, बहुत प्यारे भाई। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, हम पर उंगली दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ गए, हम एनसीपी के साथ गए, लेकिन कांग्रेस के वो सभी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और भी घिनौने आरोप थे उनके साथ सरकार बनाई और गोवा की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए आज विजय सरदेसाई जी एक्स डिप्यूटी सीएम और गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट आज शिवसेना के साथ आए हैं और हम गोवा में जाकर उनके साथ एक फ्रंट बना रहे हैं और जल्दी ही गोवा में भी एक चमत्कार आपको दिखाई देगा। राज्यपाल जी ने राज्यपाल मंत्रिमंडल में चर्चा झाली ते फक्त कसा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची चर्चा सोडून फक्त मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायची चर्चा झाली। कॅबिनेट मध्ये काय होतं हे गोपनीय असतं हे मुख्यमंत्र्यांनाही माहित आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस हे आता विरोधी पक्षनेते आहेत। प्रेम शुक्ला महाराष्ट्र के बाद तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए संजय राउत का, गोवा में चमत्कार की बात कर दी उन्होंने। मेरी बात कंप्लीट नहीं आ रही। देखिए चमत्कार कई बार क्या होता है कि अंधे के हाथ बटेर लगता है तो उसको लगता है कि सारे बटेर जो है उसके हाथ लगेंगे चमत्कार ही रहेगा। तो अंधे के हाथ बटेर लगने की घटना जो है ये अपवाद है, ये नियम नहीं है। 20-25 साल से आप ही के पास था। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जी शुक्ला जी आज काफी उदास लग रहे हैं, जो उनके बॉडी लैंग्वेज उनके साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये तर्क दे रहा हूं कि अजीत दादा जो है चार दिन पहले प्रेम जी मेरी बात सुन लीजिए, सर बड़े भाई मेरी बात सुन लीजिए, चार दिन पहले ये दादा उसका उत्तर दे चुका मैं वही बार बार दादा को आरती आप बता रहे थे फिक्सिंग कर दिए थे उत्तर दिया मैंने और हमला बोल रहे हैं गिरीश महाजन जैसे लोग इन्हीं के साथ भतीजे के साथ ही शुक्ला जी मैं गलत हूँ तो बताइए गिरीश महाजन दाऊजी के शादी में ठुमके लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? अरे आप गलत ही गलत है, मैं उत्तर कश्मीर पे बात हो तो कन्याकुमारी की बात है। एक दिलचस्प बात ये निकली है कि क्या
प्राइस देनी पड़ेगी, क्या कीमत, क्या मूल्य देना पड़ेगा शिवसेना को पावर में आने के लिए? क्या उनकी कोर आइडियोलॉजी से हटके, हिंदुत्व से हटके, मराठी मानुष से हटके अगर वो चलते हैं तो क्या उनका कोर वोट श्रिंक होगा और ये वोट किसके पास जाएगा? मुझे लगता है इन सब में हर जना हारता है लेकिन एनसीपी सबसे ज्यादा गेन करती है। मुझे लगता है कि एक जमाने में रिमोट कंट्रोल से महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले अब खुद रिमोट कंट्रोल से चलेंगे और ये उनके लिए खतरा है। कंट्रोल से चलेंगे और कहां पर जाकर अब जवाबदेही देनी है अभी तो ये तय करना होगा वो कौन सा दरबार होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तो सिर्फ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आज तो कुर्सी संभालेंगे लेकिन अभी से ऐसा लगता है कि चुनौतियों के बाद उनके पास अब शायद जवाब फिलहाल तो नहीं है किसी भी सवाल का देने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर जी माफी चाहती हूँ।